आज बीके कॉलेज में हम आपके बीच आए हैं कि जो लॉ में जो अमेंडमेंट हुआ है या नया लॉ जो आया है उसके विषय में बताएंगे, और आपके साथ जो समाज परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है, जो समस्याएं हैं, क्राइम का जो अपराध का स्वरूप है, प्रकृति है, बदल गया है, उसमें आप लोगों को जागरूक करने के लिए हमारा कि आप जागरूक रहिएगा तो अपराध से बचिएगा, आपका लाइफ सरल होगा। बाकी इन जनरल आपको कोई समस्या हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, जो हमारे लॉ के दायरे में होगा, विधि सम्मत जो हमें अधिकार मिला है, जो हम कर सकते उतना हम करेंगे, उसके अलावा हम नहीं। तो लॉज और पुलिसिंग ये दोनों समझिए एक दूसरे के एकदम जुड़े हुए हैं। तो अभी आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस एक्ट करीब 160 सालों के बाद बदल दिया गया। क्यों बदला गया, बदलने का कारण है, कारण है कि 150 साल में समाज विभिन्न परिवर्तन से गुजरा, जिसके अनुसार अपराध का स्वरूप बदलता चला गया। उसके कारण होता क्या था, पीड़ित के साथ न्याय जो समानुपात में होना चाहिए था वो नहीं हो पा रहा था, इसलिए केंद्र सरकार द्वारा इन तीनों कानून को नए कानून के साथ प्रतिस्थापित किया गया। उसमें बहुत सी व्यवस्थाएं की गई, जैसे महिलाओं के प्रति जो अपराध होता है तो महिलाएं, अब बहुत सी बात है जो संकोच के कारण या अपने मन में दबाने के, नहीं चलो यही सोसाइटी का नॉर्म्स है, अपनी बात को बोल नहीं पाती थी। तो बिहार पुलिस द्वारा एक नया प्रयोग किया गया है, महिला हेल्प डेस्क, उसके लिए नंबर जारी किए गए हैं नेट पे, बिहार पुलिस के साइट पे, बक्सर पुलिस के साइट पे जा करके आप अपने थाना का, जो भी आपका थाना है, वहाँ के महिला जो हेल्प डेस्क का अधिकारी है, कर्मचारी है, उसका नंबर, SDPO जो आपके एरिया का है उसका नंबर, SP का नंबर, और जिसका भी आपको नंबर चाहिए, अगर नहीं हो रहा है लोकल लेवल से तो आप बात कर सकते हैं और आपकी समस्या को सुनी जाएगी। महिला हेल्प डेस्क में जितने भी अधिकारी हैं, चाहे वो पुलिस हो, सब इंस्पेक्टर हो, सभी महिलाएं हैं, इसलिए आपकी बात वहाँ रखने में सहजता हो, इस तरह का माहौल भी है, किसी तरह का आप पे कोई दबाव नहीं है। लेकिन जो सही है वो बात आप बताइए, नहीं बताइएगा तो जो अपराधी हैं उनका मनोबल बढ़ेगा और अपराध पे हम नियंत्रण कर पाने में सफल नहीं हो पाएंगे। अतः आप सबसे मेरा अनुरोध है कि किसी तरह का आपको लगे कि आप किसी भी व्यक्ति का ऐसा कृत्य है जो आपके मान सम्मान, आपकी गरिमा या आपके व्यक्तित्व को प्रभावित करता है, तो आप बताइए। चाहे वो अभी नया चेंज है कि पहले था कि पर्दा थाने में, अभी यदि कोई इन्फॉर्मेशन है तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से आप थाना को दे सकते हैं, उस पर कार्रवाई कर सकती है, लेकिन 3 दिनों के अंदर आपको आकर के अपना साइन करना होगा ताकि उस पर FIR की जा सके। लेकिन इमीडिएट अगर कुछ आपको हेल्प चाहिए तो मैसेज से भी ले सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति गलत कर रहा है और आपके एरिया का नहीं है और वहाँ का पुलिस नहीं सुन रहा है तो आप यहाँ भी FIR करा सकते हैं, उसको 0 FIR करना है। और FIR कराने के लिए पीड़ित का जाना, मतलब जिसके साथ अपराध हुआ है वो अवश्य ही जाए, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, उसमें वादी कोई भी बन सकता है जिसको ये जानकारी है कि हाँ ये अपराध घटित हुई है, उसमें ये लोग शामिल हैं, जो बता सके जिससे कि अनुसंधान सही हो और अर्थात न्याय हो सके, तो इन्फॉर्मेंट कोई भी हो सकता है। आप जा करके अपना जो बयान है दर्ज कराइए, उसके अनुसार FIR दर्ज होगी, कार्रवाई की जाएगी। अब जो क्राइम का स्वरूप बदला है हम उस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले चर्चा करेंगे कि सोशल मीडिया, सब लोग जुड़ा हुआ है, कोई ऐसा बचा हुआ तो नहीं हुआ मेरे समझ से, फेसबुक चलाता है, इंस्टाग्राम चलाता है, व्हाट्सएप चलाता है, टेलीग्राम, बहुत से सबसे जुड़ा हुआ है। इससे आज के डेट में क्राइम सबसे ज़्यादा होता है, और क्राइम होने के बाद क्या है, लोग समाज में डर से या अपनी इज्जत प्रतिष्ठा के कारण उसको छोड़ देते हैं, अपराधी का मन बढ़ता है और वो अपराध पे अपराध करना चला जाता है। तो किसी को सुनना नहीं है। अगर मान लीजिए कि कुछ ठीक है, कोई अपराध हो गया
अगर आपसे अनजाने में जाने में, तो उस चीज़ को वहीं रोक देना, उसको टॉलरेट उस सीमा के बाद नहीं करना। जब आपको ज्ञान हो गया कि हाँ इसने मेरा एब्यूज़ किया है, चाहे मेंटल हो, सोशल या फिजिकल हो या इमोशनल हो, एब्यूज़ किया है, आपको ये पता है कि हाँ मेरा एब्यूज़ हो चुका है, आप वहाँ उसको स्टॉप कीजिए। उसका कंटिन्यूस शिकार होने की जरूरत नहीं है। अब बताते हैं इसमें किस किस तरह का अपराध होता है। सोशल मीडिया में क्या है कि किसी का फेस ये फोटो लगा करके फेक प्रोफाइल बना के आपको मैसेज करेगा। एक केस है, हम नाम नहीं बताएंगे। एक ये नहीं है कि लड़का लड़की का ही कर रहा है, लड़की भी लड़की कर रही है। एक लड़की कंप्लेन की कि मेरा इंस्टाग्राम से आईडी हैक करके और मेरे फोटो और जो प्राइवेट फोटोज हैं उसको ये किया जा रहा है, स्प्रेड किया जा रहा है। तो उस केस को हम बहुत स्ट्रांगली देखे, तो उसमें जब हम रिकॉर्ड मंगाए फेसबुक से और व्हाट्सएप से, लास्ट में आया निकल करके कि उसका कजन सिस्टर थी, वही उसको एब्यूज कर रही। उसने वो कितने को नाम दी थी कि ये है वो है ऐसे। तो जो अगर अपराध आपका होता है तो आप बताइए, निसंकोच नहीं बताइएगा तो ये सिलसिला नहीं रुकेगा और हम कार्रवाई करने में सफल नहीं होंगे। इंस्टाग्राम से आईडी हैक करके और फेसबुक से आईडी हैक करके दूसरा फेक आईडी बना करके अगर कोई कर रहा है तो आप रिपोर्ट कीजिए। साइबर थाना है, निकटतम थाना है, आप रिपोर्ट करिए। कोई जो है अगर आपका स्टॉकिंग कर रहा है साइबर, आप कहाँ जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, पीछा कर रहा है आपका, ये सब अपराध है। तो स्प्रेड करने में सहयोग दे रहे हैं ना, तो अगर वो अपराध है, किसी का मान लीजिए वीडियो आपको मिल गया किसी का भी और आप उसको भेज रहे हैं, तो जब चेन खुलता है तो 50 नाम उसमें आते हैं। सबको हम लोग फिर मजबूर है, देखिए हम किसी को भी जो निर्दोष है अगर ये जान जाएंगे तो उसे जेल हम नहीं भेजते, चाहे जो भी लॉ भी ये नहीं कहे। लेकिन अगर आप खुद अपने आप को अपराध में ले आइएगा तो पुलिस क्या करेगी। इसलिए सोशल मीडिया पे कोई भी मैसेज, कोई भी वीडियो अगर फॉरवर्ड करना है, आपका कंसेंट अलाउ करता है, चाहे वो धार्मिक हो, निजी हो, नैतिक हो या आर्थिक हो, तो तब तक नहीं कीजिए जब तक कि आप जान न जाइए कि इससे आपको नुकसान है या नहीं है, लॉ के एम्बिट में इसका क्या डेफिनेशन है, तब तक मत। जैसे कुछ हम आपको एग्जांपल दे रहे हैं, धार्मिक उन्माद जो फैलाने वाले वीडियो होते हैं